उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। जीटीए फिल्म थिएटर में नामालूम मादा छिड़कने के वाकयात, पुलिस का कहना है कि वाकयात की तफ्तीश की जा रही है। वाकयात रवां हफ्ते वॉन, स्कारब्रो और ब्रैम्पटन में रिपोर्ट हुए। टोरंटो में इस वीकेंड पर तेज बारिश के साथ हल्की बर्फबारी का भी इम्कान। वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत इतवार की रात -1 रहने का इम्कान। टोरंटो पुलिस का शहरियों को बर्फ हटाने वाले नौसरबाजों से होशियार रहने का मशवरा। ओंटेरियो में साम दुश्मनी, इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए नफरत मुखालिफ ग्रांट में फंडिंग में इजाफा। इजाफी 20.5 मिलियन डॉलर खर्च किए जाएंगे। हुकाम का कहना है कि सूबे में मजहबी मुनाफरत की कोई जगह नहीं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मास्को में सदर प्यूतिन से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और गजा पर गुफ्तगू। रूसी सदर ने कहा कि मास्को दहाइयों से जारी इसराइल फलस्तीन तनाजे में सालिस बन सकता है। ईरानी सदर ने कहा कि मशरिक वस्ता बिलखसूस फलस्तीन की सूरत हाल पर बातचीत करना अहम है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Greater Toronto area ki 3 mukhtalif police forces ke afsaran ka kehna hai कि वो इस हफ्ते अलग अलग फिल्म थिएटर्स के अंदर किसी किस्म के मादे के स्प्रे के बाद इनखिला पर मजबूर होने के बाद तहकीकात कर रहे हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ग्रेटर टोरंटो एरिया की 3 मुख्तलिफ पुलिस फोर्सेस के अफसरान का कहना है कि वो इस हफ्ते अलग अलग फिल्म थिएटर्स के अंदर किसी किस्म के मादे के स्प्रे के बाद इनखिला पर मजबूर होने के बाद तहकीकात कर रहे हैं। भारतीय ज़राए इब्लाग के मुताबिक ग्रेटर टोरंटो के 3 मुख्तलिफ इलाकों में नकाब पोश अफराद की जानिब से जहरीला मादा स्प्रे किया गया, जिसके बाद थिएटर्स को खाली करना पड़ा। खुशकिस्मती से इन वाकयात में कोई बड़ा हादसा रोनुमा नहीं हुआ। यॉर्क रीजनल पुलिस के मुताबिक ऐसा ही एक वाकया मंगल की रात वॉन के एक फिल्म थिएटर में भी पेश आया। पुलिस की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि मास्क पहने 2 अफराद ने थिएटर में एरोसोल पर मबनी स्प्रे शुरू कर दिया, जिसके बाद वहाँ मौजूद अफराद को शदीद खांसी शुरू हो गई। पुलिस के मुताबिक थिएटर के अंदर तकरीबन 200 लोग मौजूद थे और उस वक्त एक हिंदी फिल्म चल रही थी। वाकये के बाद लोगों को थिएटर से निकाला गया और उन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई। तहम मुलजिमान पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार होने में कामयाब हो गए। मुश्तबा अफराद के बारे में तफसीलात बताते हुए पुलिस ने बताया कि पहला मुश्तबा शख्स सियाह फाम था, जिसकी जिल्द की रंगत कदर हल्की थी, जबकि दूसरे शख्स को ब्राउन बताया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यॉर्क पुलिस इस हफ्ते पेश आने वाले इसी तरह के दीगर वाकयात के बारे में पील और टोरंटो पुलिस दोनों से रابطे में है। यॉर्क पुलिस के एक अफसर ने कहा है कि इत्तेफाक से ये सब एक ही शाम 3 घंटे से भी कम वक्त में हुआ। उन्होंने कहा कि हम यकीनी तौर पर इस इम्कान को देख रहे हैं कि इन वाकयात का आपस में कोई ताल्लुक है। बयान में कहा गया है कि इस वक्त ये मालूम नहीं है कि आया कोई और वाकयात मुंसलिक हैं, लेकिन हमारे तफ्तीशकार इन वाकयात से वाकिफ हैं जो यॉर्क रीजन और टोरंटो में पेश आए। ये पूछे जाने पर कि क्या वाकयात की तहकीकात नफरत पर मबनी जुर्म के तौर पर की जाएंगी, एक मकामी पुलिस अफसर ने कहा कि इस बात का कोई वाज़ेह इशारा नहीं है कि ये नफरत पर मबनी जुर्म है, लेकिन हमने एहतियात के तौर पर अपने नफरत पर मबनी जराइम की रोकथाम के यूनिट को मुतला कर दिया है और वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर तेज बारिश के साथ हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर तेज बारिश के साथ हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है।
एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत इतवार की रात -1 और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत हफ्ते के रोज दिन के औकात में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब इस हफ्ते 3 अलग अलग सिस्टम कुछ कैनेडियंस को मुतासिर कर रहे हैं, जिससे बर्फ, जमी हुई बारिश और धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो रही है। मुल्क भर में दोनों साहिलों के लोग एनवायरनमेंट कनाडा की तरफ से मौसम के इंतबाहात पर जाग उठे, जिसके बाद मौसम के खराब होने की वार्निंग दी गई। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि तीनों निजाम मुतहरिक हैं और अगले चंद दिनों में पूरे कनाडा में मुंतकिल हो जाएंगे। दूसरी जानिब टोरंटो पुलिस शहरियों को खबरदार कर रही है कि वो शहर भर में बर्फ हटाने वाली कंपनियों की धोखाधड़ी से होशियार रहें। पुलिस के एक तर्जुमान ने कहा कि ज्यादातर मौके पर मुश्तबा अफराद आम तौर पर सोशल मीडिया के इश्तिहारात का इस्तेमाल अपनी बर्फ हटाने की सर्विस को फरोख देने के लिए करते हैं और शहरियों से इसके लिए पेश की अदायगी का मुतालबा करते हैं। ये इल्जाम है कि फ्रॉड स्कीम में मुलविस मुलजिमान बर्फ हटाने के लिए हाजिर नहीं होंगे। हुकाम ने कुछ नुकात का इश्तराक किया, बशमूल बर्फ हटाने वाली कंपनियों से होशियार रहना और बर्फ हटाने से पहले मुकम्मल अदायगी का मुतालबा करना और बर्फ हटाने वाली कंपनी की खदमात हासिल करने के जबरदस्त फैसलों से गुरेज करना। पुलिस के तर्जुमान ने एक न्यूज रिलीज में लिखा कि अपनी तहकीक करें और एक मारूफ कंपनी का इंतखाब करें और तफसीली तहरीरी मुहैदा हासिल करें। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हैं तो वाकई की इतला अपनी मकामी पुलिस और कैनेडियन एंटी फ्रॉड सेंटर के ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम को दें। कनाडा के सूबा ओंटारियो की सूबाई हुकूमत में साम दुश्मनी और इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान का मुकाबला करने की कोशिश में नफरत मुखालिफ ग्रांट के लिए अपनी फंडिंग में इजाफा कर रही है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे ओंटारियो की सूबाई हुकूमत में साम दुश्मनी और इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान का मुकाबला करने की कोशिश में नफरत मुखालिफ ग्रांट के लिए अपनी फंडिंग में इजाफा कर रही है। ओंटारियो हुकूमत ने कहा कि वो इस साल सूबे के इंसदाद, नफरत तहफ़ और रोकथाम ग्रांट में इजाफी $20.5 मिलियन की सरमायाकारी करेगी। एक रिलीज के मुताबिक इजाफी फंड्स यहूदी और मुस्लिम कम्युनिटीज को तरजीह देंगे, अकीदे पर मबनी और सकाफती तनजीमों को ऐसे इकदाम करने में मदद करेंगे जिनसे उनकी कम्युनिटी की जगहों को महफूज रखने में मदद मिलेगी। शहरियत और कसीरुल सकाफत के वजीर माइकल फॉर्ड ने एक रिलीज में कहा, हमने हालिया हफ्तों में साम दुश्मनी, इस्लामोफोबिक और नफरत की दीगर कार्रवाइयों में जो इजाफा देखा है वो मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है और ओंटारियो में इसकी कोई जगह नहीं है। उनका कहना था कि हम ओंटारियो की मुस्लिम और यहूदी कम्युनिटीज की हिमायत में मजबूती से खड़े हैं और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए उनके और तमाम अकीदे पर मबनी और सकाफती गिरोहों के साथ काम करते रहेंगे। सूबे का कहना है कि मस्जिद और इबादत गाहों से लेकर अकीदे पर मबनी स्कूलों तक कम्युनिटी सहूलियात को $20,000 तक मिलेंगे ताकि उनकी जगहों को नफरत अंगेज वाकयात से बेहतर तौर पर महफूज रखा जा सके, बशमूल नफरत अंगेज ग्राफ्टी या तोड़फोड़। ग्रांट की फंडिंग मुख्तलिफ हिफाजती इकदाम जैसे कि हिफाजती अमले की खदमात हासिल करना और इमारत की मुरम्मत के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मास्को में रूसी सदर व्लादिमिर पुतिन से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने फलस्तीन की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मास्को में रूसी सदर व्लादिमिर पुतिन से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने फलस्तीन की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर ईरानी सदर का कहना था कि तालीम, तवानाई और ज़रई शोबों में बाहमी तआवुन बढ़ाएंगे। उनका मजीद कहना था कि फलस्तीन और गजा की सूरत हाल आलमी नाइंसाफी का नतीजा है। फलस्तीन और गजा में नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम हो रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमिर पुतिन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाकाई और फलस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल जरूरी है। रूसी सदर ने कहा कि मास्को दहाइयों से जारी इसराइल फलस्तीन तनाजे में सालस बन सकता है। ईरानी सदर ने कहा कि मशरिक वस्ता बिलखसूस फलस्तीन की सूरत हाल पर बातचीत करना अहम है। गजा में जो कुछ हो रहा है बिलाशुबा नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। ये सिर्फ इलाकाई नहीं पूरी इंसानियत का मसला है। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।